हेलो एवरीवन, आज हम इंडस्ट्रियल लॉ का जो केस डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है भारत बैंक लिमिटेड वर्सेस देयर एम्प्लॉय। ये 1950 का केस है। इस केस में डिस्प्यूट अराइज होता है बैंक के एम्प्लॉयज और बैंक के बीच में। एम्प्लॉयज यहाँ पे कुछ डिमांड्स करते हैं और बैंक इन डिमांड्स को रिफ्यूज करता है, जिसके बिहाफ पे वर्कर्स जो हैं वो काम करने से मना कर देते हैं। इसमें जैसे ही जब वर्कर्स काम करने से मना करते हैं, बैंक यहाँ पे कहता है कि आप वापस से रिजॉइन करो, अपना वर्क स्टार्ट करो। बट यहाँ पे इस बीच में क्या होता है कि बैंक कुछ वर्कर्स को निकाल देता है, रिट्रेंच कर देता है, उनको काम से निकाल देता है। तो यहाँ पे डिस्प्यूट बाकी क्या था ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मेन चीज इम्पोर्टेंट है कि डिस्प्यूट अराइज हुआ। अब इसके बाद जब यहाँ पे बैंक ने ये काम किया, तब सेक्शन ए, अगर यहाँ पे किसी भी मैं सेक्शन की बात कर रही हूँ, दैट मींस वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का सेक्शन है। यहाँ पे सेक्शन ए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे एज पर सेक्शन 7 क्लॉज ए एक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है, और उस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को यहाँ पे ये पूरा जो मैटर है उसको सॉल्व करने के लिए अपॉइंट करती है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल क्या करती है कि ये जो पूरा मैटर होता है इसका डिसीजन सुनाती है एम्प्लॉयज के साइड पे। तो एम्प्लॉयज के फेवर में जब ये डिसीजन आता है, तो इसी के साथ एक चीज और जरूरी होती है कि जितने इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के मेंबर्स हैं वो सभी मेंबर्स इसके सिग्नेचर करें, इस पे सिग्नेचर करें। बट इस केस में 3 में से 2 मेंबर ही यहाँ पे क्या करते हैं, वो साइन करते हैं। अब इसके साथ यहाँ पे ये पूरा मैटर होता है। तो अब बैंक यहाँ पे क्या करता है जब उनके फेवर में डिसीजन नहीं आता है, बैंक एज पर आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक स्पेशल लीव पिटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल करता है। तो यहाँ पे जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज इस चीज का अपोज करते हैं और कहते हैं कि जो बैंक है ये बैंक है, इसके पास ये अथॉरिटी नहीं है और ये कॉम्पिटेंट नहीं है एक स्पेशल लीव पिटिशन के लिए, क्योंकि ये जुडिशियल कैरेक्टर में नहीं है, जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसी के साथ यहाँ पे फर्स्ट इशू जो है वो सामने आता है, वो ये है कि क्या जो ट्रिब्यूनल है वो कोर्ट के समान है, क्या जो कोर्ट का वर्ड यूज हुआ है या ट्रिब्यूनल वर्ड यूज हुआ है ये एक ही सेंस में यूज हुआ है या अलग सेंस में यूज हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इस बात को क्लियर करते हैं कि ट्रिब्यूनल जो वर्ड है वो कोर्ट के सेंस में यूज नहीं हुआ है। ट्रिब्यूनल एक काफी ज्यादा वाइडर और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, कोर्ट एक अलग चीज है, कोर्ट का यहाँ पे अलग काम है, दोनों का काम थोड़ा थोड़ा सिमिलर है बट यहाँ पे काफी दोनों में डिफरेंसेस भी हैं। ट्रिब्यूनल अलग है, अगर दोनों ही सिमिलर होते तो आर्टिकल 136 में दोनों को अलग अलग मेंशन करने की जरूरत ना होती। अब इसमें एक अलग क्वेश्चन इशू ये था कि क्या ट्रिब्यूनल का यूज जो है वो नैरो सेंस में हुआ है या वाइडर सेंस में हुआ है, तो ऑब्वियसली ये वाइडर सेंस में यूज हुआ है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है इसमें लीगल इशू कि जो डिटर्मिनेशन वर्ड है आर्टिकल 136 में, क्या ये जुडिशियल करेक्टर तक सीमित है या इसके बियॉन्ड जाके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है उसको भी इंक्लूड करता है, दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ओनली। अब इसके साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए, डिटर्मिनेशन यानी आप चाहते क्या हो, आप इसमें किस पर्पज से ये जो आपका पूरा ही मैटर है वो क्या है, तो इसमें ये था कि जो डिटर्मिनेशन है वो इसको भी इंक्लूड करेगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को, इसको किससे इंक्लूड कैसे करेगा अब वो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लियर करते हुए कुछ गाइडलाइंस या कुछ बातें बताई। सबसे पहले तो ये कि अगर वो ट्रिब्यूनल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है इसके रिगार्डिंग जो ट्रिब्यूनल है वो अगर यहाँ पे वो सोवरीन नेचर का है, सोवरीन नेचर इट मीन्स उसे स्टेट ने गवर्न किया है और उसके पास अपनी अथॉरिटी है, स्टेट के गवर्न करने के बाद यहाँ पे इसको अलाउ किया है और उसके पास सोवरेनिटी है, तो वो यहाँ पे 136 में माना जाएगा और उसका भी डिटर्मिनेशन इंक्लूड होगा। सेकेंड चीज, अगर वो जुडिशियल करेक्टर में है, जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे जैसे क्लियरली मेंशन है तो भी वो 136 में जाएगा। इसके अलावा अगर वो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव
और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस सिर्फ परफॉर्म कर रही है, सिर्फ ये दो फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे 136 में नहीं आएगा। तो इस केस में बस इतनी सी बात थी कि यहाँ पे जो है, अब इस सबको देखते हुए कोर्ट ने ये डिसीजन सुनाया कि इस केस में जो बैंक है वो बिल्कुल कॉम्पिटेंट है आर्टिकल 136 में स्पेशली पिटिशन फाइल करने के लिए, और इसके साथ ही यहाँ पे डिटर्मिनेशन जो इस काइंड इसके सॉवरेन नेचर जुडिशियल कैरेक्टर का है तो डेफिनेटली इंक्लूड होगा, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है तो इंक्लूड नहीं होगा। इनके आंसर्स करते हुए कोर्ट ने ये डिसीजन सुनाया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल को फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट किया था उसको दोबारा कॉन्स्टिट्यूट करके पूरे एक प्रोसेस में वो काम करेगा और फिर उसके बाद यहाँ पे वो डिसीजन आएगा। तो ये था इस पूरे केस में, दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।